हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता है। तो गाइस, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, ये अपने आप में अद्वितीय यूनिवर्सिटी है। कि इस यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है। इस यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात ये है, यहाँ पर दिव्यांग स्टूडेंट के लिए काफ़ी सुविधाएँ यहाँ पर रखी गई हैं। ऐसे स्टूडेंट को जो आरक्षण मिलता है, उसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें उन लोगों को 50% का सीट आरक्षण मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर। हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, और इस फॉर्म को फिलअप करने का जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है उसके ऊपर हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आता रहता है वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, हम आ गए हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है, पीएचडी एडमिशन नोटिस 2023 एंड 24 से रिलेटेड है। यहाँ पर सबसे पहली बात स्टूडेंट की, ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसे आप किसी तरीके का डीम्स यूनिवर्सिटी या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी मत समझिएगा। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। आप लोगों को जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से इनके फॉर्म को फिलअप करना है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इनका जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसे पेमेंट करना है, और पेमेंट करके जब आप सबमिट करेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट रहेगा उसे अपने पास सहेज कर रखना है, ताकि जब आप लोगों की काउंसलिंग हो तो उस काउंसलिंग में उसका प्रिंट आउट आप लगा सकें। यहाँ पर जो इस फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तारीख है, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स है, वो 2 अगस्त 2023 का डेट यहाँ पर रखा गया है फॉर्म को रजिस्टर करने का, और इसका जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त 2023 का डेट रखा गया है। अगर आप विलंब होते हैं आप फॉर्म को रजिस्टर करने में, तो आपको अतिरिक्त शुल्क ₹500 प्लस देना पड़ेगा, जो यहाँ का रजिस्ट्रेशन फीस के साथ प्लस आप लोगों को देना है, वो भी 1 सितंबर 2023 के पहले। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो 23 सितंबर का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगर बात कर लें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रखा गया है, तो SC ST PWD और दिव्यांग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर ₹750 एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए ₹1500 एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। लेट पेमेंट के साथ अगर आप अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं तो 750 दिव्यांग जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 750 के साथ प्लस 500 देना रहेगा, और जो जनरल EWS और OBC के स्टूडेंट हैं उन्हें 1500 प्लस 500 एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोर नंबर के ऑप्शन में यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है इस नोटिस में कि द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड UGC CSIR और एनी रिलीवेंट बॉडी टेड नेट स्लेट और एनी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम सेल वी गिवेन 3 मार्क्स। यानी अगर आप लोगों ने UGC CSIR या उससे रिलेटेड किसी तरीके का एग्ज़ाम, जो कि UGC नेट सेट स्लेट के बराबर का कोई एग्ज़ाम है, अगर उसे क्वालिफाई आपने किया हुआ है तो आपको 3 मार्क्स प्लस आप लोगों को मिल जाएंगे PhD एडमिशन में। और उसी के साथ अगर आपने क्वालिफाई किया है UGC CSIR या फिर GRF एग्ज़ाम, तो आप लोगों को 5% 5 मार्क्स आपका जो है वो ऐड हो जाएगा, वो आपके
टोटल मार्क्स में जो आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा उसमें आपको 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। गाइज़ यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है वो सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, फाइन आर्ट, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स जैसे सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इस पूरे नोटिस में से संबंधित सीट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप जब इनके रजिस्ट्रेशन में जाएंगे शायद वहाँ पर आप लोगों को सीट से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फ़िलहाल आप लोगों के सामने इनका जो सब्जेक्ट है वही इस नोटिस में मेंशन किया गया है, तो आप इनके सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट को मैच करा लें कि अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 55% मार्क्स के साथ आप लोगों ने रिलेटेड सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको एडमिशन प्रोसेस में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो आपको संबंधित सभी सब्जेक्ट में जो भी आप लोगों का वेटेज मिलेगा उसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से 50% का जो सीट का आरक्षण है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से अपनी पीएचडी स्टार्ट करने के लिए तो आप यहां से इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रहे वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए यूनिवर्सिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।